नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास कैसे हैं आप थक तो नहीं गए भैया दिन भर अलग अलग क्लासेस अटेंड करके चलिए कोई बात नहीं अगर आप थके हुए भी हैं तो हम हाजिर हैं आपकी सारी थकान भी दूर कर देंगे और आपको इतना बढ़िया साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी प्यारे साथियों आज का हमारा विषय क्या है आज हम जाएंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जिसमें हम काफ़ी सारी चीजों को स्टडी करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्पेस टेक्नोलॉजी किस चिड़िया का नाम है लिटरली चिड़िया का ही नाम है स्पेस टेक्नोलॉजी क्योंकि इसमें तो हम स्पेस में ही जाते हैं तो भैया पूरे जोश के साथ सबसे पहले तो लिख दो करके दिखाएंगे ताकि हमें भी समझ में आ जाएगी हाँ तुम पूरे जोश में तैयार हो और हम तुम्हें आज एक ऐसे डायनासोर से भी मिलवाएंगे जो बहुत ही छोटा है उड़ता था पक्षी है और अब तक का सबसे छोटा उड़ने वाला जानवर जो विज्ञान ने ढूंढ के निकाला है प्यारे साथियों ये मेरा परिचय जितने नए नए प्यारे प्यारे बच्चे लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनके लिए हैं बहुत प्यारा क्राउड है बच्चे काफ़ी जोश से पढ़ाई करते हैं और आपस में पूरी इनकी बातचीत भी चलती रहती है कई लोग यहाँ पर सिर्फ़ एक दूसरे से मिलने आते हैं पढ़ाई नहीं करने आते हैं कोई बात नहीं कोरोना वायरस का ज़माना है तो टीचर कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि सबको वैसे ही घरों में कैद कर दिया गया है अब एक बहुत मज़ेदार चीज़ मैं देख रहा हूं ये सिर्फ इंडिया में ही संभव है हमारे यहाँ स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं तो बच्चे घर आ रहे हैं और फिर घूमने फिरने निकल जा रहे हैं दस पंद्रह बीस मिल के बाहर खेल कूद और दूसरे ग्रुप और चिलिंग आउट कर रहे हैं अरे स्कूल कॉलेज बंद किए गए ताकि तुम घर में खुद को आइसोलेट करो शांति से पढ़े रहो दस पंद्रह बीस दिन घर से पढ़ाई करो इसके लिए नहीं कि तुम ग्रुप बनाकर बाहर निकलो नहीं तो फिर आइसोलेशन का मतलब क्या है आप अकेले अगर वॉक पे जाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अकेले कहीं घूमने जाते हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है विद ड्यू प्रिकॉशन लेकिन पंद्रह बीस लड़के लड़कियां एक साथ बैठ के गेम खेल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ भी कहीं घूमने जाते हैं प्यारे दोस्तों द होल पर्पज इज डिफीटेड और नॉट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों को इस बात की अभी समझ नहीं है और सरकार को जल्दी से थोड़ा सा कम्युनिकेशन कैंपेन अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है तो अगले दो महीने में बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अप है आपको क्या लगता है दोस्तों कोरोना वायरस की एक क्राइसिस आने के बाद अगले दो ढाई महीनों की कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्या टाइम पे कंडक्ट होंगी या ये एग्जाम्स पोस्टपोन होंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा बहुत डिले इसमें कुछ एक हफ्तों का आ सकता है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि इतना लॉकडाउन हो रहा है तो एग्जाम्स आप कैसे कंडक्ट कर पाएंगे दैट इज़ द होल पॉइंट यस और नो यस और नो तो अदिति राय कहती हैं कि पढ़ाई से छुट्टी मिलती है बेटा अदिति अगर मम्मी पापा आप घर पे दिन भर हैं तो मम्मी पापा आपको यही बोलेंगे कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो लेफ्ट राइट सेंटर ज़्यादा मत करो यस और नो तो कहीं ना कहीं देश की सरकार को अब थोड़ा और जोश में आ जाना चाहिए भैया बहुत दिन हो गए जल्दी से हमारे अभी तक के सारे सेशंस को रेट कर दो तो, आज हम दसवें सेशन पर आ गए फटाफट काम शुरू करना है तो आपकी रेटिंग जीरो से हंड्रेड पे जल्दी से दे दीजिए जल्दी से दीजिए जल्दी से दीजिए आपको अभी तक बहुत कुछ सीखने को मिला तो आज स्पेस टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं आई होप यू विल बी गिविंग अ वेरी गुड रेटिंग सो दैट हमारा और हमारी टीम का भी जोश एकदम से हाई हो जाए प्यारे साथियों आप मेरे साथ कृपया संदीप मानूधने सर टेन एस एम सर टेन कोड यूज करके अन अकेडमी के मेरे प्लस कोर्स में मेरे साथ जुड़ जाइए मुझे बहुत खुशी होगी कोड याद रखिएगा और आपका स्वागत है अन अकेडमी पर मेरे प्लस कोर्स में जिसमें काफी गहराई में मैं साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और वो आप करेंगे तो आपकी तैयारी कंप्लीट मानी जाएगी शुरू करते हैं आज का काम वंस अगेन आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूं अभी तक मैंने आपके साथ 66 सिक्स कॉन्सेप्ट कवर कर लिए ये अपने आप में बड़े गोल्डन कॉन्सेप्ट हैं आप ये समझ लीजिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी तैयारी बहुत ही तगड़ी हो रही है लेकिन प्लस कोर्स करेंगे तभी आपकी तैयारी कंप्लीट होगी अल्टीमेटली ये हमारी एक फ्री सीरीज है एक फंडामेंटल ओरिएंटेशन बहुत अच्छा है अब एक से दस में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए एक से दस में आपको कौन सा अच्छा लगा जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए यस सर क्विकली 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 11 से 20 में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए 21 से 30 में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा जल्दी बताइए एक लड़का है आर एस नाम का वो हर सेशन में मुझे गाली बकता है लाइव चैट में और लगातार मुझे श्राप देता है कि तू शापित है वो बोलता है नेगेटिव अबे तो पढ़ने क्यों आता है तू फूट यहां से यारे दोस्तों 21 से 30 में कौन सा आपको अच्छा लगा 31 से 40 में आपको कौन सा अच्छा लगा 41 से 50 में आपको कौन सा अच्छा लगा इक्यावन से 60 में आपको कौन सा अच्छा लगा और ये हैं आज के हमारे तीन सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट और सिक्सटी नाइन बहुत ही प्यारे हैं आज के स्मॉल फ्लाइंग डायनासोर मेड इन स्पेस ऑर्गन्स और बॉटनेट तो भैया जोश में हो या नहीं हो जल्दी बताओ जल्दी बताओ बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ में बहुत मजा आया भैया शिवानी जी को बहुत अच्छी बात है अंकित द्विवेदी को ब्लैक होल आपने एंड हो, अरूढ़ी सिंह को ब्लैक होल बहुत अच्छा लगा दिनेश पांडे को डीप लर्निंग बहुत अच्छा लगा अवतार को इंटरनल लाइफ बहुत अच्छा लगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक्सेलेंट आपने पीडीएफ मांगे हैं आई एम सॉरी यहाँ पर यान एकेडमी वाईफाई पर इसमें पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको प्लस कोर्स पे पीडीएफ मिलेगा ओके डियर स्टूडेंट्स तो आज का काम शुरू करते हैं और स्पेस टेक्नोलॉजी का आ, तुरंत काम शुरू किया जाए राजीव कुमार ने बड़ी अच्छी व्याख्या कर दी उसके आगे अब कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है <laughs> ओके okay, तो अब हम शुरू कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी पंची बनूर्ति फिर मस्त गगन में प्यारे दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी वो प्रौद्योगिकी है जिसने आधुनिक मानवता को एक आशीर्वाद के रूप में आधुनिक जिंदगी प्रदान की है चलिए इसको दूसरे ढंग से समझाता हूँ आज कोरोना वायरस का लॉकडाउन भारत में चल रहा है हालांकि अभी तो पार्शल हुआ और हम काफी लेट भी हो गए हैं और भारतीय है काफी कूल हैं अभी क्या करोना फरोना क्या है करोना गो गो करोना गो कैरोना कोई बोलता है करुणा कोई बोलता है कि ये पी लो उससे ठीक हो जाएगा कोई बोलता है शराब पी लो उससे आ रहा है इम्यूनिटी के बारे में अब मैं टेक्निकल बात आपको बता देता हूं मैंने आपको वॉर ऑफ द वर्ल्ड की कॉमेंट्री भी बताई थी मूवी वगैरह देख ली कि नहीं नलायकों

कि सार्स का वायरस एस एर जिससे ये बैट से ह्यूमंस में कैसे आ रहे हैं तो ऐसा क्या हो गया है कि इतने डेडली और ह्यूमंस में आ रहे हैं चमकादोड़ों से अब मैं जो मेन मुद्दा बता रहा था हमारी प्रतिरोधक प्रणाली जो है इम्यून सिस्टम जो है प्यारे साथियों इसमें जैसे ही नोवेल कोरोना वायरस आता है याद रखना पहले दिन से हमारी बॉडी लड़ नहीं सकती है इम्यूनिटी का ये मतलब नहीं होता है कि वो पहले दिन से उसको कुछ समय लगेगा एडेप्ट करने में और उतने में ही तो इतने सारे लोग मर रहे हैं नहीं तो सब मरते नहीं ना इम्यूनिटी लड़ती I hope you have understood that 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 an absolutely new class of pathogen will will enter the human system will require the human human system system require a a a few 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 days or a few weeks or weeks months to to grow up to that. herd immunity बनने में और दूसरी चीजें नहीं होता है हाँ उसके बाद वो आ जाएगी मैंने आपको वो कॉमेंट्री बताई थी बाय द टोल ऑफ had डेथ मैन इम्यूनिटी यही तो है ना वो टोल ऑफ द बिलियन डेथ इसलिए वॉर ऑफ द वर्ल्ड का मैंने आपको पहले भी बोला था अभी तक की जो मैंने बात कही वो आपको समझ में आ गई या नहीं जल्दी बताइए तो प्यारे दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी और कोरोना वायरस और माइक्रोब्स का क्या कनेक्शन है आइए यह भी आपको समझा देता हूं मेरे प्यारे साथियों बहुत बहुत-बहुत बात ये है कि शुभम मानवंश बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं कि क्या ये बायोवेपन है मैं अभी इसको समझाता हूं मैं अभी इसको समझाता हूं कि यह क्या है प्यारे दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी और कोरोना वायरस का कनेक्शन यह है कि जब यहां से कोई भी सैटेलाइट हम मून पर या मार्स पर भेजते हैं तो नासा वाले या इसरो वाले या जैक्सा वाले या कोई भी ई वाले उसको पूरी तरह से पहले डिस करते हैं बिकॉज वी डोंट वॉन्ट दैट अवर पैथोजेंस फ्रॉम प्लेनेट अर्थ शुड रीच एल्सफेयर यू गॉट द आइडिया ऑल्दो वी आर नॉट श्योर वेदर मार्स पे पैथोजेंस हैं कि नहीं वहां के अपने पैथोजेंस होंगे उनकी पूरी की पूरी मोलिकुलर केमिस्ट्री अलग होगी लेकिन इतना इंश्योर सारी स्पेस एजेंसी करती हैं हालांकि हंड्रेड परसेंट तो पॉसिबल ही नहीं है फिर भी कि पूरा डिस इन्वेस्ट करके भेजते हैं सो वेरी क्लियर तो यह है स्पेस टेक्नोलॉजी वन का सबसे पहला ज्ञान कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए यह बेहद आवश्यक है प्यारे साथियों कि यहां से किसी भी तरह से हम माइक्रोब्स को बाहर न जाने दे जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया है आप कभी भी एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाओगे देख लेना जीवन में बता रहा हूं मैं तुमको अरे सर क्या बात कर रहे हो हमको तो एसनोट बनना भी नहीं सर हमको तो सिविल सर्वेंट बनना है सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है सर हमको तो कलेक्टर uh, बनना कमिश्नर बनना है सर हमको तो जीएसटी uh, uh, का कमिश्नर बनना है सर अरे बिल्कुल सही है लेकिन उसके लिए भी लाइक करना ज़रूरी है कभी नहीं बन पाओगे बता रहे हैं तुमको आई होप दिस इज एब्सोल्यूटली राइट तो uh, कोरोना वायरस के संबंध में आपने एक सवाल और पूछा है तो मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी और माइक्रोव का बता दिया परीक्षा में कैसा सवाल बन सकता है प्रेलिम एमसीक्यू अब मैं जो एक एक चीज आपको बता रहा हूं याद रखिएगा ये सब एग्जाम में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो एस में या मेन्स में या ऑब्जेक्टिव में दिखाई देगी अब इस पर कैसा सवाल चलिए एग्जामिनर बन जाते हैं आप भी बन जाइए मेरे साथ एग्जामिनर मैं भी बन जाता हूँ एक्जामिनर विच ऑफ दीज इज द प्रिकॉशन एक्सरसाइज बाई द स्पेस एजेंसीज बिफोर द सेंड अटेलाइट इन स्पेस और एनी ऑब्जेक्ट इन स्पेस निम्न में से ऐसी कौन सी सावधानी है जो कोई भी स्पेस एजेंसी किसी भी चीज को वस्तु को ग्रह को बाहर भेजने से पहले बरतती है तो उसका सही आंसर क्या होगा कि पृथ्वी का कोई भी सूक्ष्म जीव उसके साथ बाहर न चला जाए समझ में आया क्योंकि वो बाहर क्या है वो मचा सकता है ये किसी को नहीं पता अब आते हैं बायो वेपन पर तो चलिए एक पोल कंडक्ट कर रहा हूं मैं ठीक है वोटिंग हो रही है भैया वोटिंग 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 वो चुनाव में होती है ना जोर से दबाते तो करंट लगता है आजकल भयंकर वही वाला प्यारे दोस्तों आप में से कितनों को लगता है कि ये नोवेल कोरोना वायरस ये वाला वायरस कोरोना वायरस तो बहुत पहले से चलते चले आ रहे हैं सार्स भी नोवेल कोरोना वायरस एस एस ए आर एस सीओवी नाइनटीन सीओवी टू ये कितनों को लगता है कि ये बायो वेपन बनाया जा रहा था जो गलती से वुहान के लैब से लीक हो गया और कितनों को लगता है कि ऐसा नहीं है ये वाया बैट्स वाया एनिमल्स में कितनों को लगता है कि बायो वेपन है यस लिखिए कितनों को लगता है बायो वेपन नहीं है नो लिखिए तो यहीं से पोल से ही शुरुआत कर देते हैं सारी कहानी यस और नो जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए यस सर क्विक तो कई लोगों को एस्ट्रोनॉट बनना है वो बढ़ते हुए लाइक्स और शेयर्स पे से क्लियर है बाद में जो लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं कृपया इस पर अपने कमेंट्स वगैरह भी पूरे जोश में देते चलिएगा यस और नो यस और नो यस और नो जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बायो वेपन है कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बायो वेपन नहीं है कुछ कह रहे हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है अब मैं आपको एक बात बताऊं ये बायो वेपन है या नहीं ये कॉन्स्पिरसी थ्योरी है

क्योंकि निपाह भी हुआ है तो ये भी हुआ है तो क्या ये सारे के सारे बायो थे क्या? और से ज्यादातर बैट्स में से आए हैं तो मेरा आपको जो एक बहुत तगड़ा सवाल है कि बैट्स में से आने वाले वायरसेस इतने बड़े किलर क्यों होते हैं ये बहुत शानदार सवाल है इसका अच्छा उत्तर दीजिएगा शुरू करते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यह है उसका पहला पाठ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का पहला पाठ यह रहा तो मैंने आपको अभी जो समझाया कि क्या यह बायो वेपन है या नहीं आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मनोहर कहानियों पर ज्यादा मत जाइए अपनी दिमाग और अपनी अकल लगाइए वैसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह लोगों का दिमाग खराब कर रखा है पूरे भारत में आप पढ़े लिखे लोग हैं इंटेलेक्चुअल लोग हैं इसलिए हर चीज को शक की निगाह से देखना सीखिए हर चीज पर सवाल उठाना सीखिए वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग ही सवाल करना बंद कर देंगे तो फिर किसी के लिए भी उल्लू बनाना आसान हो जाता है आपको बात समझ में आई मेरी बेटा साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब ही होता है स्पिरिट एंड अ क्वालिटी ऑफ स्केप्टिसिज्म यू कीप आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज यू डोंट आस क्वेश्चन तो फिर कोई भी उल्लू बना सकता है आपको देखिए मैं अगले पांच मिनट में आपको ऐसे ऐसे झूठ बोल सकता हूं कि आप हर चीज पे यकीन कर लेंगे बचिए उस चीज से अपनी बुद्धि को यह समझ लीजिए कि सबसे बड़ा एसेट है आपका मुझे बहुत दुख होता है आजकल के युवाओं में कईयों को देखकर दे हैव सिंपली सरेंडर्ड वो सोचते ही नहीं है कुछ आजकल लेकिन यहां का क्राउड बहुत अच्छा है ये लोग सोच रहे हैं ये अच्छी बात है बेटा स्पेस टेक्नोलॉजी इज वॉट मैन काइन यूजेज टू रीच आउट स्पेस लॉन्च सैटेइट्स एक्सप्लोर न्यू प्लान एंड सैटेलाइट स्टडी द सन एंड लॉन्च एप्लीकेशन फॉर यूज ऑन अर्थ अगर आप एक निबंध लिखेंगे ना स्पेस टेक्नोलॉजी पर तो ये उसका पहला वाक्य बना लीजिए और इससे एक बड़ी अच्छी आपकी शुरुआत हो पाएगी प्यारे दोस्तों आपने कई मूवीज का भी, भी यूट्यूब पर जो मेरी सीरीज चल रही है ये ओरिएंटेशन के लिए बहुत अच्छी है लेकिन आपकेडमी प्लस पे कोर्स ज्वाइन करेंगे तब जाके सफिशियंट हो पाएगा इसका हिंदीकरण देख लीजिए एक बार अच्छे से तो हम पिछले सौ साल में स्पेस टेक्नोलॉजी को सच्चे अर्थों में शुरू कर पाए फिजिकली थ्योरीज तो पहले से थी भाई कॉपर निकस ने सारे रूल्स दिए जब न्यूटन ने बात को समझा जो पूरा फिजिक्स बनाया अल्बर्ट आइंस्टाइन तो बहुत बाद में रिलेटिविटी लेके उसके पहले वी हैड वेरियस अदर थिंकर्स हु ट्राइड टू थिंक कंसेप्चुलाइज कि कैसे जाएंगे लेकिन तब वो टेक्नोलॉजी नहीं थी अब जैसे लियोनार्डो दा विंची की बात करें इतना बड़ा थिंकर था रेनेसोंस पीरियड का यूरोप का उसने हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाया हुआ है सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी में कोई आदमी हेलीकॉप्टर का चौपर का डिजाइन बना दे तो वो उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाए क्योंकि तब इंटरनल कंबेशन इंजिन ही नहीं थे सो so, टेक्नोलॉजी का खेल क्या होता है दोस्तों कि एक कदम एक कदम एक कदम एक कदम आगे बढ़ता है तो टुडे व्हाट वी आर लर्निंग आप और मैं ये यूट्यूब से पढ़ रहे हैं इससे पढ़ रहे उससे पढ़ रहे हैं हम वी आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जाय समझ में आए आपको हमसे पहले जो महान लोग होके गए जिन्होंने विज्ञान को यहां पूछा आज हम उनके गंधों पे खड़े हैं इसलिए हम इतना बड़ा शेर बन रहे हैं हमारा खुद का क्या कंट्रीब्यूशन है हमें हमेशा ये भी सोचना चाहिए तो मैंने आपको जीएस फोर के लिए एक अच्छी इनपुट दे दी ये जो मेरा कोर्स आप कर रहे हैं ना फ्री कोर्स यूट्यूब पर इसमें कही हुई हर बात आपको अलग अलग पेपर्स में लिखने के लिए बहुत अच्छा मानता देगी समझ में आ रही है बात आपको प्यारे दोस्तों तो ये आपने पहला ओपनिंग स्टेटमेंट अच्छे से समझ लिया या नहीं जरा कंफर्म कर दो बेटा आपको बता दिया हम कभी वहां जाने वाले तो है नहीं अगर हम वहां जा सकते तो क्या बात थी बॉलीवुड के सारे गाने सूर्य पे ही बने होते लेकिन बॉलीवुड के गाने चंद्रमा पर होते हैं तो फटाफट मुझे बॉलीवुड के एक गाने के शब्द लिख के दो जो चांद पर है और तुम्हें बेहद पसंद है सिर्फ एक गाने के बताना बॉलीवुड के तो पांच गाने चंद्रमा पे चांद पर चंदा मामा पर कोई एक गाने के बोल जो तुम्हें याद आ रहे है और उनमें से कोई एक उठा के मैं आपको गा के भी बता दूंगा तो स्पेस टेक्नोलॉजी समझ में आ गई यस और नो यस और नो अब अंग्रेजी भाषा में एक स्टेटमेंट है अरे यार दिस इज नॉट रॉकेट साइंस कितने लोगों ने सुना है थोड़ी बहुत इंग्लिश भी पढ़ा दूं साथ में दिस इज नॉट रॉकेट साइंस ये सुना है आपने क्या मतलब होता है उसका दैट दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट दैट यू कैन नॉट डू इट ये इतना कठिन नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि तू कर नहीं पाएगा तो रॉकेट साइंस का मतलब होता है स्पेस टेक्नोलॉजी मतलब सबसे कठिन विज्ञान और यह बात तो सत्य है क्योंकि आप अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ के बाहर निकल रहे हो इससे खतरनाक तो कुछ भी नहीं हो सकता ना बिकॉज नेचर नेवर डिजाइन ड्यू टू बी लाइक दैट तो यह है पूरी की पूरी कहानी अभी तक की सारी बातें समझ में आई तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेस टेक्नोलॉजी मैं आपको पैरल में जी के भी इनपुट दे रहा हूं बहुत प्यारे प्यारे गाने आते जा रहे चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम चांद से है दूर चांदनी बहुत ही खूबसूरत गीत था और चंदा मामा नहीं होते तो 50 परसेंट बॉलीवुड जो है बेचारा कंगाल बैंक ऑफ इंडिया बन के बैठा होता है येस बैंक की तरह तो यस बैंक में डूब गया वो भी हमें बताना मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई प्यारे दोस्तों यू स्लोली लर्न द वेरियस फैसेट्स फसेट्स का मतलब होता है पहलू चेहरे ऑफ द टेक्नोलॉजी नीडेड टू एक्सप्लोर स्पेस तो जब हमने स्पेस का एक्सप्लोरेशन शुरू किया तो क्या हुआ सबसे पहले हमने थ्योरीज बनाई हमारे पास ग्रेविटी की थ्योरी आई हमारे पास रॉकेट टेक्नोलॉजी आई हमारे पास प्रोपेलेंट टेक्नोलॉजी आई हमारे पास स्पेस सूट टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आई ये बड़े बड़े हिस्से थे उस टेक्नोलॉजी के एन ऑल ऑफ देम वर स्लोली ब्रॉट टुगेदर एंड विद अ लॉट ऑफ हिट एंड ट्रायल लॉट ऑफ हिट्स एंड मिसेस लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी में हमने चंद्रयान टू के साथ देखा क्या हुआ इतना बढ़िया काम करने वाला इसरो अल्टीमेटली लैंडर के केस में फेल हो गया तो दिस इज परफेक्टली फाइन नासा भी फेल होता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसरो ने भी बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया कि ये तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम और हम सब भी समझते हैं उस बात को क्योंकि यह रॉकेट साइंस है बात समझ में आई आपको तो ह्यूमंस यानी कि इंसानों ने स्लोली लर्न द वेरियस फसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी नीडेड टू एक्सप्लोर स्पेस और ये रॉकेट साइंस है क्योंकि ये बहुत जटिल है इसमें बहुत सारी चिंताएं हैं लुक्रिक कारका कहते हैं कि सर आई थिंक यू आर अ गुड सिंगर अब थिंक विंग छोड़ आई एम अ गुड सिंगर यू थिंक क्या नो थिंक थॉट थॉट आई एम अ गुड सिंगर हाँ नहीं तो अभी इतने सेशन के बाद बोल रहा है आई थिंक अरे यार ये कोई सोचने की बात है कान से सुन रहे हो दिल से सुन रहे हो भाई सैटेलाइट टेक टेक स्पेस फ्लाइट टेक, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक इसके तीन पिलर्स होते हैं अच्छे से नोट कीजिए तो आज जितनी भी प्रौद्योगिकी है अंतरिक्ष की उसके तीन स्तंभ हैं सैटेलाइट यानी उपग्रह उपग्रह जिससे हम सैकड़ों आज चक्कर लगा रहे हैं पृथ्वी का और उससे पैदा होता है आपको याद है ए सैट पढ़ा था मैंने आपको जो मैंने जितने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट निकाल लो वो आज के लेक्चर से जुड़े हैं एस ए टी एंटी सैटेलाइट टेस्ट कितनों को याद है जल्दी बताइए हाउ मेनी ऑफ यू रिकॉल एंटी सैट टेक्नोलॉजी एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में आप मिसाइल मारते हैं यहां से या एक सैटेलाइट जाके दूसरे से टकराएगा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं तो जब हम एक सैटेलाइट को उड़ाते हैं तो क्या होता है डेबरी निकलती है डीई बी आर आई एस स्पेलिंग याद रखना एस साइलेंट होता है डेबरी क्या होती है टुकड़े कितने बड़े टुकड़े इतना 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 वो बुलेट की गति से भागते हैं और उसमें से छोटा सा टुकड़ा भी किसी दूसरे सैटेलाइट में घुस गया सैटेलाइट तवा अरे भाई यूकेटेन पेनेंसूला चिक जुलूप क्रेटर वो दस किलोमीटर चौड़ा पत्थर था पृथ्वी तो कितनी हजारों किलोमीटर चौड़ा लेकिन मोमेंटम की कहानी होती है ना तो अल्टीमेटली मास इनटू वेलोसिटी तो वो मोमेंटम इतना भयंकर होता है छोटे से टुकड़े का कि वो डेबरी इसीलिए नासा बार बार और अमेरिका की स्पेस एजेंसी बार 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 हमारे ऊपर उंगलियां उठाती रही कि आपने टेस्ट किया ही क्यों तो यह है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पहला पॉइंट क्लियर हुआ तो इस स्पेस प्रौद्योगिकी के जो तीन हिस्से होते हैं ना बच्चों उनमें ये तीन है अच्छे से समझ में आया कि नहीं अच्छे से समझ में आया कि नहीं मिशन शक्ति की बात की थी ना भैया हमने तो नाविदा फरहत बोलती हैं सर वन क्वेश्चन एंड आस्क पूछिए दोस्तों पूछिए प्यारे दोस्तों अब इसमें होता क्या है जो दूसरा स्पेसिफिक दैट इज स्पेस फ्लाइट इंसानों को लेके जाना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इसरो ने डिक्लेयर कर दिया है कि भारत अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाएगा बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है प्यारे दोस्तों बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच बहुत अच्छा आप लिखते चलिए मैं हर कमेंट पर रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा लेकिन मेरी नजरों से हर चीज निकल रही है नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी तो अब अगर हमारा एक उपग्रह नेपच्यून पार करके प्लूटो पार करके क्विपर बेल्ट में घुस जाता है और हीलियोपॉस से निकल जाता है तो हमें यह पता चल जाता है कि सूर्य का पूरा आभा मंडल कहाँ खत्म हो रहा है और ये हम क्यों करते हैं ताकि हमें मालूम तो हो कितने ए पे जाके इसकी कहानी खत्म होती है और वहां से इंटरस्टेलर स्पेस चालू होता है आई होप यू हैव अंडरस्टूड तो बड़ा सवाल यही है कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं सिंपल सा सवाल आप सभी से पूछा शुड बी कीप इन्वेस्टिंग इन स्पेस टेक्नोलॉजी जब पृथ्वी पर इतने लोग भूख से गरीबी से कुचल जा रहे हैं मर जा रहे हैं और बहुत ही दुख में जी रहे हैं जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी ये तीनों चीजें अच्छे से नोट कर लीजिएगा अब सैटेलाइट्स में बहुत सारे प्रकार आ गए हैं जो पहला सैटेलाइट गया हम अभी पढ़ेंगे उसके बाद आज कम से कम 25 प्रकार के सैटेलाइट्स आ चुके हैं डिपेंडिंग ऑन आप क्या चाहते हैं फॉर एग्जांपल इंडियन नेवी के लिए सबमरीन को चलाने के लिए पूरी इंक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी का हमारा मिलिट्री सैटेलाइट चढ़ाया गया ऊपर और वो हमारी सबमरीन से कांटेक्ट करता है मैंने आपको पंडुब्बी का पूरा बताया था कि किस प्रकार से अवर सबमरीन विल प्रॉल इन द इंडियन ओशन रीजन और वो न्यूक्लियर सबमरीन होंगी छोटा सा प्लांट लगा हुआ होगा छह महीने सात महीने आठ महीने इंडियन ओशन के निचले स्तर पर घूमती रहेंगी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वहां है दे फायरिंग एबिलिटी इसको कहते हैं एरिया डिनायल एंड डेटेन्स एबिलिटी कि दूसरा वहां घुसे तो उसको पता है कि यार यहां कभी भी मौत आ सकती है एरिया डिनायल एंड डेटेन्स एबिलिटी तो ये सारी चीजें जो हैं ये जुड़ी हुई हैं आपको याद है मैंने टर्म आपको बताया था डुअल यूज टेक्नोलॉजी इसरो जो रॉकेट्स बनाता है सैटेलाइट भेजने के लिए प्यारे दोस्तों वो की वो टेक्नोलॉजी आप न्यूक्लियर वेपन के लॉन्च वहीिकल अग्नि में भी लगाते हैं अल्टीमेटली तो बात एक ही रहेगी ना सिर्फ ऊपर की टोपी ही बदलती है ना ऊपर यहाँ की टोपी में सैटेलाइट होता है और वहां की टोपी में न्यूक्लियर वेपन होता है जो आपका फिशन बॉम्ब भी हो सकता है जो आपका फ्यूजन बॉम्ब भी हो सकता है जो एक अकेला बॉम्ब भी हो सकता है जो एम आई आर वी भी हो सकता है एम आई आर वी याद है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली प्रोग्रामेबल री एंट्री व्हीकल एक से ज्यादा बम बेसिकली हिंदी में बोले तो अंग्रेजी में वैसे ही लोगों को ज्यादा फेंकने की आदत है इसलिए एम आई आर वी बोलते हैं हिंदी वाले सरल रहते हैं बोलते हैं एक से ज्यादा बम खत्म प्यारे दोस्तों तो अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं ये तीनों चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा आगे बहुत प्यारी प्यारी चीजें आ रही हैं बहुत मजा आएगा सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं जल्दी से कंफर्म कर दो एक बार इफ यू आर द सेशन देन आई एम ऑल्सो इंजॉय दि सेशन यस और नो यस यस और और नो नो जल्दी बताइए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं आपने ये बोला है कि जरा डीप वेब और डार्क वेब भी पढ़ा दीजिएगा एब्सोल्यूटली बिल्कुल बताएंगे आज आपने फिर से आग लगा दी राजा इम्तियाज बोलते हैं अरे बाप रे अरे बाप रे फायर एक्सटिंग लाना रे चीप चौक पुअर चौक तो हमने आग लगा दी है लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है अरे ये कहा चला गया रहे? सेशन इतनी जल्दी खत्म होगा तो आग लग जाएगी प्यारे दोस्तों सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर आ जाइए तो अब हमारे पास एक बहुत वृद्ध श्रृंखला हो गई है ग्रहों की एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेविगेशनल सैटेलाइट क्रूड स्पेस क्राफ्ट या स्पेसशिप्स मिनिएचर सैटेलाइट अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भारत में इसरो आजकल मिनिएचराइज सैटेलाइट बनवा रहा है रीकनोसान सैटेलाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वेदर सैटेलाइट लंबी चौड़ी श्रंखला है आज से 50 साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था दैट देयर वुड बी अ सैटेलाइट फॉर एवरी पॉसिबल यूज एंड देयर वुड बी अ मैन कॉल्ड जेफरी बीजोस एंड अ मैन कॉल्ड इलोन मस्क जो हजारों 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 हजारो सैटेलाइट्स का संजाल छोड़ देंगे जिससे कोई भी ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट पा सकता है लो कॉस्ट पर 50 साल पहले ये कोई नहीं सोच सकता था तो भैया जल्दी से बता दो इलॉन मस्क वाला वो पूरे नेटवर्क का नाम क्या है एग्जाम में अगर पूछ लिया तो फिर ये मत कि अरे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था हम आपको पढ़ा चुके हैं जल्दी से नाम बता दो सो दे आर पुट इन टू डिफरेंट ऑर्बिट डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर इंटेंडेड टू डू अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट ये मैं आपको अगले सेशन में पढ़ाऊंगा अलग अलग कक्षाओं के प्रकार क्या होते हैं समझ में आया आप में से कुछ महान आत्माओं ने अभी तक प्यारे साथियों आ, लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया देख लेना तुम एस्ट्रोनॉट बन ही नहीं पाओगे मैं बता रहा हूं तुमको तुम एस्ट्रोनॉट बनने के लायक ही नहीं हो हाँ नहीं तो प्यारे दोस्तों अलग अलग ऑर्बिट्स यानी कि कक्षाएं क्या होती हैं आपके पास लो अर्थ ऑर्बिट होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोल सकते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट बोल सकते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो सकते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट हो सकते हैं पोलर सिंक्रोनस सैटेलाइट हो सकते ये सब अलग 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 प्रकार की कक्षाएं होती हैं डिपेंडिंग ऑन वॉट काइंड ऑफ वर्क डू यू वॉन्ट अ सैटेलाइट टू डू तो ये मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि कक्षाओं के प्रकार और सैटेलाइट के काम के बीच में क्या रिलेशन होता है आज हम एक फर्स्ट लेवल का ओरिएंटेशन ले लें नहीं तो लोग बहुत डर जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा तकनीकी ना हो जाए तो ये आप पूरा नोट कर लीजिएगा कि कितने प्रकार के उपग्रह हो सकते हैं हमें यह बताने में बहुत खुशी है कि हमारा इसरो जो है वो प्रैक्टिकली ये पूरी रेंज के सैटेलाइट बनाता है एंड नॉट जस्ट दैट हम दुनिया भर के सैटेलाइट्स का लॉन्चिंग भी करते हैं क्योंकि हम बहुत चीप हैं और बहुत इकोनॉमिकल हैं लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि फ्रेंच गुआना से किस कॉन्टिनेंट में है फ्रेंच गुआना जल्दी बताइए अफ्रीका में है कि ऑस्ट्रेलिया में है जल्दी बताइए क्या आपने सुना है कि इसरो का कोई बड़ा भारी सैटेलाइट फ्रेंच गुआना से उड़ाया गया तो ये फ्रेंच गुआना नाम का देश कहां है और इसरो वहां क्यों जाता है जब सारी दुनिया इसरो के पास भी आती है तो ये एक अच्छा सवाल है इसका जवाब हमें आपसे चाहिए जल्दी जवाब दीजिए तो अभी तक का सब कुछ समझ में आ गया बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है हर बच्चा फॉलो कर पा रहा है हर लड़की फॉलो कर पा रही है यस और नो स्टारलिंग 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 विनय बर्वे ने जवाब दिया है थैंक यू सो मच कंग्रेचुलेशन कॉम्प्लीमेंट आपको याद रहा यह बहुत अच्छी बात है न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी बनाने में क्या दिक्कत आ रही है कैन यू प्लीज एक्सप्लेन शॉर्टली वंदना पूछती हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में दिक्कत क्या आ रही है बहुत अच्छा सवाल है इसलिए मैं अभी प्रायोरिटी पे ले लेता हूं प्यारे दोस्तों न्यूक्लियर फिशन यानी विखंडन और न्यूक्लियर फ्यूजन यानी संलयन या विलियन प्यारे दोस्तों याद रखना फ्यूजन यानी दो एटम्स को जोड़ना ये बहुत 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 कठिन काम होता है बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है जो हो नहीं पाती है इसीलिए थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने के लिए पहले फिशन बॉम्ब फोड़ा जाता है तो हम रूम टेम्परेचर पर फ्यूजन कर ही नहीं सकते क्योंकि उतना टेम्परेचर कहां से लाएंगे करने के लिए बस वही टेक्नोलॉजी ढूंढी जा रही है क्योंकि जिस दिन वो टेक्नोलॉजी आ गई तो प्रकृति में पाने जाने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली इक्वल टू एमसी है प्रॉब्लम इज कि हम एमसी स्क्वायर इसका कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि आइटम्स को कैसे जोड़े जिस दिन वो टेक्नोलॉजी आ गई इट इज ऑल ओवर आफ्टर दैट द होल पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड विल चेंज फॉर एवर यह किसी भी दिन हो सकता है अगले पचास साल में अगले पांच साल में अगले पांच सौ साल में मुझे नहीं पता बट इन्फिनिट एनर्जी का वो सोल्यूशन होगा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उसका सही उत्तर मिल गया इस पर अगर एग्जाम में सवाल आया तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसका साउथ अमेरिका बिल्कुल सही जवाब दिया है सोनम ने बहुत अच्छी बात गुड 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 बहुत अच्छे दूसरे उत्तर आ रहे हैं साउथ अमेरिका बहुत से लोगों ने दिया है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं तो भारत वहां से क्यों करता है बेटा कई बार एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस ऐसे होते हैं कि द विंडो फॉर शूटिंग सैटेलाइट मे नॉट कम फॉर सेवरल मंथ्स तो जब वो विंडो आती है तो भारत ये सोचता है इसरो सोचता है कि अभी छह महीने रुकने में कोई मतलब नहीं अभी वहां से हम सैटेलाइट छुड़वा देते हैं और उसके बाद फिर जब विंडो आएगी तब हमारे यहां से तो क्योंकि एस्ट्रोनॉमी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना और समय की बात है तो इसलिए हम दूसरों की मदद लेते हैं दूसरे हमारी मदद लेते हैं आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरी तो उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल विंडोज ऑफ लॉन्च अभी तक का सब कुछ क्लियर है दोस्तों चलिए मेजर माइलस्टोन्स तो इसकी तो बहुत लंबी सूची है लेकिन मैं आपको सिर्फ कुछ प्रमुख मील के पत्थर के बारे में बताना चाहूंगा और सबसे पहला मील का पत्थर यह है जो सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक सैटेलाइट छोड़ा था तो अमेरिका को शॉक लगा था क्योंकि अमेरिका सोवियत संघ के साथ ऑलरेडी एक आर्म्स रेस में उलझा हुआ था और सोवियत ने जैसे ही ऊपर भेजा और बोला रुद्या अच्छे हाँ इसका मतलब हमने भेज दिया ऊपर मैंने रशियन भाषा में बोल के अभी था। आती है मुझे तो प्यारे दोस्तों रशियन भाषा में अभी आपको बोल के बोला कि हमने भेज दिया। तो वहां पर अमेरिकन बुरी तरह से घबरा गए हा दैक द डू दैट I mean, they're trying to beat us, they're beating us. Oh man, this is the bad news because the communists are going to gain ground on us. Already they have the entire Eastern Europe. Oh no, man, we need to send our satellite quickly. We need to gain pace on them, man. तो ये बुरी तरह से भड़क गए लेकिन जॉन एफ कैनेडी आए उसके बाद ही बात आगे बढ़ी तो ये मेजर माइलस्टोन समझिए सबसे पहला आर्टिफिशियल अर्थ सेटेलाइटनिक वन ये हमने पहले भी आपको बताया बतायाप्ट में आज आपको फिर से बता दिया यस और नो प्यारे दोस्तों आपको क्या लगता है कि हम सिर्फ शी जिनपिंग की नकल कर सकते हैं हम व्लादिमिर पुतिन की भी नकल कर सकते हैं चलो आज व्लादिमिर पुतिन की नकल करके बताते हैं तो बीच में ये खबर आई थी कि ये अमेरिकी चुनावों में हैकिंग होती है वहां के चुनाव की व्लादिमिर पुतिन साहब हैकिंग करवाते हैं

उसके बाद अमेरिका को यह समझ आया कि हमें बहुत जल्दी एक व्यक्ति को ही चंद्रमा पर भेजना पड़ेगा तो यह सारे के सारे जो एक सेंस बन गया था दुनिया में कि अमेरिका इज लूजिंग दिस बैटल आर्म्स रेस एंड द स्पेस रेस टू रशियन वुड बी वील बी एबल टू विन समझ में आया आपको फिर वंदना बोलती है कि आपको सारी लैंग्वेज आती है हाँ बेटा मुझे 303 लैंग्वेज आती है आप बोलो मैन ऑन द मून हम जानते हैं अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स अपोलो इलेवन मिशन के गए थे अभी मैं उनके मिशन का पूरा डायग्राम आपको दिखाऊंगा नील आमस्टोंग और एडविन एल्ड्रिन और तीसरे थे माइकल कॉलिन जो बेचारे चक्कर लगाते रह गए टोटल ऑफ ट्वेल्व अमेरिकन छह अलग अलग सेपरेट अपोलो मिशन पर वहां पहुंचे जिनमें से एक मिशन में बहुत दिक्कत आई थी जिस पर मूवी भी बनी थी ह्यूस्टन वी गॉट अ प्रॉब्लम याद है आपको तो वो कौन सा मिशन था बताइए जिसमें ऊपर उस मॉड्यूल में दिक्कत आ गई थी और यहां से फिर सब कुछ ठीक किया गया था अदरवाइज वो सारे के सारे मर गए होते और उसके ऊपर पूरा का पूरा एक मूवी भी बनी थी बहुत फेमस मूवी थी वो बट नो ह्यूमन हैव लेफ्ट अर्थ ऑर्बिट आफ्टर दैट एक बहुत अजीब चीज आपको बताऊं दिसंबर उन्नीस के बाद किसी भी इंसान ने चंद्रमा पर कदम नहीं रखा है पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि सोवियत यूनियन ने तो कभी ट्राई ही नहीं किया हीज प्रेसिडेंट फॉर एव राजीव कुमार बोलते हैं बिल्कुल तो मुझे ऐसा लगता है कि व्लादिमीर पुतिन जब नाइन्टी ईयर्स के नाइन्टी फाइव ईयर के फिर हंड्रेड ईयर के फिर हंड्रेड एंड फाइव और ऐसे 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 बुढ़ा के चलने लगेंगे तो वो एकदम बूढ़े हो जाएंगे तब भी वो प्रेसिडेंटशिप छोड़ेंगे नहीं तब भी उनसे पूछा जाएगा कि आप पर फिर आरोप लगाया आज ट्वेंटी फोर्टी फाइव में कि आपने अमेरिका के इलेक्शन में हैकिंग की है क्या हो रहा है सर ये नीट तो हे वो तब भी 2045 में भी ये बोलते दिखाई देंगे और मैं आपको यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाता दिखाई दूंगा हद हो गई यार सर क्या मतलब तब तक हमारा एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा क्या बोल रहे हो सर आप की एसि हो जाएगी सर हमारी अरे नहीं नहीं तुम सब निकल जाओगे नए बच्चे आ जाएंगे तब तक तो यह पूरी कहानी मेजर माइल की समझ में आया ये सारे नोट कर लेना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आई होप दिस इज टोटली क्लियर मार्शियन मूवी बहुत प्यारी मूवी थी भैया ही 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 मत 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 यस सर यस सर यस सर वंदना बोलती लैंग्वेजेस में भी हमारा मार्गदर्शन कीजिएगा बेटा फेल होना है लैंग्वेज में तो ले लेना मुझसे ये वाला मार्गदर्शन ओके okay, वैसे अंग्रेजी में तो मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ ये रहा स्पुतनिक और स्पुतनिक का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपके स्क्रीन पर है दिस इज हाउ द होल थिंग वो स्ट्रक्चर एकदम प्रिमेटिव था लेकिन उस प्रिमेटिव में भी आने वाले समय की बहुत बड़ी एक आपको झलक दिख रही है हीट शील्ड क्या आपको हीट हीटशील्ड दिखाई दे रही है तो हीट शील्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है जल्दी से बताइए क्योंकि जब आप री एंट्री करते हैं और जब आप यहां से बाहर भी निकलते हैं तो इतना जबरदस्त घर्षण पैदा होता है एटमोस्फियर में क्योंकि काफी घना एटमोस्फियर है कि ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट जल के राख हो जाएगा दैट इज वाई वी नीड अ हीट शील्ड मैंने आपको स्पेस शटल के बारे में भी बताया था कि नीचे की तरफ पूरी की पूरी हीट शील्ड तगी होती हैं। तो जो इंसान का बनाया हुआ पहला उपग्रह था जो सबसे बेसिक उपग्रह था वो ये था आप बैकड्रॉप में देखेंगे आपको हजारों 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 हजारो चमकते हुए सोलर बॉडीज दिखाई जो कहते हैं स्टेलर बॉडीज यानी कि पूरे कॉस्मोस की जो बॉडीज हैं यूनिवर्स की बॉडीज हैं वो दिखाई दे रही हैं यस और नो अब ये बड़ा मजेदार है कि जब आप एक बैकड्रॉप में देखते हैं और आपको ये अरबों 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 बॉडीज दिखती है तब मैंने आपको एक चीज बताई थी दीज आर ऑल स्नैपॉट्स फ्रॉम हिस्ट्री समझ में आया आपको और ये कोई सितारा वो रोशनी हो सकता है एक हजार साल पहले चली हो तो आप एक हजार साल पहले का सितारा देख रहे हैं किसी और का हो सकता है वो दस करोड़ साल पहले चलाओ तो वो आप दस तो रात को जब आप पूरा का पूरा अंतरिक्ष का एक सीन देखते हैं तो वो अलग अलग टाइम जोन आप एक साथ देख रहे हैं मगर माइंड नॉट इवन कॉम्प्रीहेंडेड बट दिस इज हाउ इट इज क्योंकि वो रोशनी अलग अलग समय पर चल के हम तक आई है है कि नहीं बड़े मजे की बात तो फिलोसोफर्स इन चीजों पे काफी समय से सोच विचार करते आए हैं और ये मेजर माइलस्टोन्स को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं देखिए तो स्टार्टिंग इन अर्ली नाइनटीन सेवेंटीज रशियन स्पेस स्टेशन यूएस स्काई लाइव स्काई लाइफ जो है पृथ्वी पर लौट के आया था तब तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने की बात थी लेकिन वो इंडियन ओशन में गिर गया था प्यारे दोस्तों क्या आप जानते हैं एक बात अल्टीमेटली जब सैटेलाइट्स की आयु पूरी हो जाती है तो री एंट्री होती है री एंट्री का मतलब मालूम है पुनर्प्रवेश और वो लगातार घटती ऑर्बिट्स में पृथ्वी पर आना शुरू करते हैं मालूम है ना आपको अब पैसिफिक ओशन में एक जगह तय करके रखी गई है जिसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ सैटेलाइट उपग्रहों की कब्रगाह और ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है कि वो जाके उसी क्षेत्र में गिरे क्योंकि वहां कोई आइलैंड्स नहीं है वहां से कोई जहाज नहीं जाते और वहां वार्निंग घोषित की गई है कि यहां कभी भी कोई उग्र आके गिर सकता है तो अगर जाओ तो ऊपर देखते देखते जाना और कोई आए तो ऐसा डॉज मार देना तो उग्र साइड से गिर जाएगा तो उसको कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ सैटेलाइट तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों आपको अभी तक की सारी बातें समझ में आई या नहीं जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए ये नाविदा ने एक सवाल पूछा है पच्चीसवीं बार पूछ लिया है कोई नाविदा पे तरस खा के उसके सवाल का जवाब दे दो तो। प्यारे दोस्तों स्टार्टिंग इन अर्ली नाइनटीन सेवनटी स्पेस स्टेशन बनना शुरू हुए और ये अर्थ ऑर्बिटिंग बेसिस थे जहां पर लंबे समय के लिए लोगों को भेजा जाता था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ऊपर गए और ऊपर से नीचे आ गए लंबे समय के लिए लोगों को वहां पर रोका जाता था यस और नो ट्वेंटी अप्रैल का बोल रहे हैं कि सर वो पत्थर आने वाला है आने वाला है क्या देखो एक तो है ना ये सारे न्यूटोराइडोराइड तो से बहुत चिड़ छूटती है मुझे हर साल कोई ना कोई एक आने वाला रहता है और आता वाता कोई है नहीं एक बार आओ और निपटाओ ये हर बार का नाटक नहीं चलेगा कि ट्वेंटी नाइन को आ रहा हूं फिर बोलते हैं तेरह दिसंबर को आ रहा हूं फिर बोलते हैं दो ज... अरे तुम एक बार आओ यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस कम वंस फिनिश इट एंड गो ताकि हम फिर से जीरो से शुरू कर सकें हर बार का टेंशन हर बार का टेंशन फिर ट्वेंटी नाइन को नासा वाले बोलते और निकल गया सत्तर हजार किलोमीटर दूर से पागल समझ के रखा है क्या हम लोगों को एक बार में खत्म करो ना यार भाई संदीप ने बड़ा चौहान ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा सर ब्लैक होल क्या होता है संदीप जी हमारी प्लेलिस्ट में उसका जवाब दिया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट देखो बेटा चैनल पर परमानेंट बेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आप बहुत अच्छे से जानते हैं 2024 तक चलेगा तो ये क्लियर हो गए अभी तक के यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अनेक देशों की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर बनाया भारत उसका हिस्सा नहीं है भारत ना, खुद का स्पेस स्टेशन बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला है ये सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं जो एनर्जी का काम करते हैं और स्पेस स्टेशन बेसिकली एक एंडेवर है अलग अलग देशों का एक समूह है यह देखने के लिए कि क्या हम एक मल्टी नेशनल कोऑपरेशन कर सकते हैं और उसका उत्तर है हाँ तो यह बहुत बड़ी विक्ट्री है स्पेस स्टेशन को लगातार सामान भेजना पड़ता है तो यहां से सैटेलाइट जाते हैं स्पेसशिप जाती हैं सामान पहुंचाती हैं और कई कई सालों तक यहां पर एस्ट्रोनॉट्स

बहुत मूल्यवान डेटा लगातार इकट्ठा किया है आपको बात समझ में आई लगातार इकट्ठा किया है और इस डेटा से पृथ्वी पर काफी साइंस को आगे बढ़ाने में मदद मिली है हीना मट्टू कहती है कि सैंडी सर आई एम अ बिग फैन हीना मट्टू जी आई एम ऑल्सो वेरी बिग फैन प्यारे दोस्तों रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट द मून वीनस मार्स टाइटन वन कॉमेट एंड थ्री एस्टोराइट तो इंसान की ये जो सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी है ना हम यहां भी लैंड करेंगे वहां भी लैंड करेंगे वहां भी लैंड करेंगे वहां भी लैंड करेंगे के बारे में सुना है ना प्रशांत महासागर इतना बड़ा उसमें बीच में छोटे छोटे द्वीप है कोई एक हजार मील दूर कोई पांच सौ मील वैज्ञानिकों को झटका लगा नाइनटीन सेंचुरी में जब पता चला कि हर द्वीप पे इंसान पहुंचा हुआ है कभी ना कभी पहुंचा है जानते हैं वो लोग कौन थे जिन्होंने पूरे पैसिफिक को इनहेबिट कर दिया द लापिता पीपल एक प्रजाति थी लापिता लोगों की वो कैसे करते थे मालूम सिर्फ बड़े बड़े पेड़ों के लकड़ी के कट्ठे काट लेते थे पूरे लट्ठे बड़े बड़े काट के हॉलो करके चार पांच लापिता लोग बैठ जाते थे और एक हजार मील की यात्रा शुरू मतलब मैं ये सोचता हूं वो एक हजार मील सुबह शाम सुबह शाम पैसिफिक ओशन में करते ही चला जा रहा करते ही चला जा रहा अगले द्वीप पर फिर वहां गए पूरी जनसंख्या बनी बीस पच्चीस पचास की वहां मूर्तियां मिली बड़ी बड़ी फिर वो भी छोड़ दिया फिर लट्ठे में बैठ गए फिर चले जा रहे हैं आठ सौ मील तक मतलब क्या इंसान रहे होंगे यार यहां लोगों से एक घंटे का सेशन नहीं झेला जा रहा है इनको बिठा दो लट्ठे में तो पता नहीं दो मिनट में तो लौट के आ जाए कि नहीं हमको नहीं जाना तो प्यारे दोस्तों रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट हमने सब जगह पहुंचा दिया लापिता पीपल याद रखना इंपॉर्टेंट इनपुट था वो दिस इज हाउ द इनैबिशन और अदर दी प्यारे दोस्तों अब दिनेश पांडे बोलते हैं सीक्रेट ऑफ योर नॉलेज वो मैंने आपको केवर्ट वाला सीक्रेट बताया था केवर्ट में ही था दीस हैव विजिटेड ऑल द मेजर प्लैनेट्स एंड हैव फ्लोन बाय दी काइपर बेल्ट आल्सो तो अब ये काइपर बेल्ट क्या है ये भी अभी देखते हैं समझ में आया आपको प्यारे दोस्तों तो जब हमने काइपर बेल्ट वगैरह की बात की तो अब समय आ गया है कि इस गियोटो के बारे में जानने का और उसके ठीक बाद हेली धूमकेतु देखेंगे हेली धूमकेतु का कोमा देखेंगे और उसके बाद काइपर घेरा भी देख लेंगे ये सारी चीजें आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ थोड़ा बहुत सोलर सिस्टम भी पढ़ाने का मौका मिल रहा है अभी तक का सब क्लियर हो गया तो क्या हम तुरंत अब इस पर बात करें हेली इस कॉमेंट पर जल्दी से बताइए कितने लोगों को हेली हेली वैज्ञानिक का नाम था कितने लोगों को हेली के धूमकेतु के बारे में पता है जल्दी बताइए क्या खासियत है हेली के धूमकेतु की यह ऐसा एकमात्र धूमकेतु है ऐसा एकमात्र कॉस्मिक बॉडी है जिसका पिछले कई हजार सालों का रिटर्न रिकॉर्ड मिलता है और पहले क्या होता था बड़े अज्ञानी लोग थे थे विज्ञान समझते नहीं थे। तो आसमान में जब इतनी बड़ी चीज जाती दिखती थी उनको लगता था कि भगवान का श्राप आ रहा है सबको नष्ट करने के लिए लेकिन वो तो निकल जाता था नष्ट करता नहीं था लेकिन उस चक्कर में कई राजा शहीद हो जाते थे राजाओं के राज में विद्रोह हो जाते थे और राजा उसमें निपट जाते थे तो हेली ने बहुत सारे शासन पृथ्वी पर नष्ट कर दिए गियोटो ने भेजा था यह रहा गियोटो गियोटो इज अ स्पेस क्राफ्ट विच फ्लू बाय हेलीस्कॉमेट और ये फोटो लिया भैया उसने हेली के न्यूक्लियस का वो पत्थर दिख रहा है आपको वो है हेलीस्कॉमेट उसका न्यूक्लियस ये सारी फ्रोजन वोलेटाइल बॉडीज हैं मेथेन की अमोनिया की वाटर की एस्टोराइड अलग होते हैं एस्टोराइड यानी शुद्र ग्रह वो तो पत्थर होते हैं जो पृथ्वी पर हर साल हमको धमकाते रहते हैं कि मैं अब आया तब आया और आते वाते तो है नहीं इसलिए मैंने आजकल उनको सीरियसली लेना छोड़ दिया है बिल्कुल सही बोला सेवेंटी सिक्स ईयर्स में आते हैं बिल्कुल सही बोला बिल्कुल सही बोला बिल्कुल सही बोला सुजीत पूछते हैं कि स्टेट पी के लिए ये क्लास देखने से कोई फायदा होगा का कोई बताओ यार यहाँ जिंदगी मौत की बातें चल रही हैं कि एस्टोरॉयड आएगा हम सब नष्ट हो जाएंगे मानवता नष्ट हो जाएगी और इसको पी की पड़ी हुई है अब बोलो मानवता का क्या भविष्य है ऐसे में तो प्यारे दोस्तों अब जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं हेलीस कॉमेट को स्टडी सबसे पहले किया गियोटो ने ये नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है हेली कॉमेट के पास से उड़ता हुआ गया पहला स्पेस क्राफ्ट था जिसने कभी किसी कॉमेट को स्टडी किया यस और नो यस और नो यस और नो यस और नो समझ में आया आपको प्यारे दोस्तों 13 मार्च 1986 को हेलीस न्यूक्लियस को 600 किलोमीटर से देख लिया ये तो बहुत ही क्लोज हो गया और इसका नाम इटली के रेनेसांस पेंटर के नाम पे था तो इतना आप ध्यान रखिएगा ये बड़ा एक ऐतिहासिक आर्टिस्ट का डिस्क्रिप्शन है कॉमेट कॉमेट इज अ शॉर्ट पीरियड से छिहत्तर साल में एक बार आ जाता है यस 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 और 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 नो 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 समझ में आया आपको पिछली बार उन्नीस में और अगली बार आएगा तब तक आप और हम दोनों ऑफ हो चुके होंगे दिस कॉमेंट्स पीरियडिसिटी सत्रह सो पांच में एडवन हेली ने ढूंढ के निकाली आवधिकता और इसलिए उसका नाम उन पर पड़ा बेसिकली धूमकेतु होता क्या है बेसिकली ये सारे वोलेटाइल फ्रोजन्स होते होते हैं हैं या फ्रोजन वोलेटाइल्स होते हैं जो पास में आते हैं तो गर्म हो जाते हैं और बहुत बड़ी पूंछ बन जाती है और पूंछ कई बार पांच दस पंद्रह एयू की बनती है अब आपको समझ में आएगा मैंने आपको एयू क्यों बताया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ में आ गया आपको तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है प्यारे दोस्तों दस पंद्रह एयू तक आती है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है आपको तो अब आपको उसकी साइज और राजा क्यों डर जाते थे देख कर मेरे सारे काले कारनामों की सजा भगवान ने दी है वो अब आपको समझ में आएगा यस और नो यस और नो यस और नो क्लियर है बेटा पूरा अच्छे से सारे हिंदी के नोट से फायदा हो रहा हो तो लिखो संदीप सर जिंदाबाद करके दिखाएंगे संदीप सर महान है संदीप सर भगवान है लिखो 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 नहीं तो अभी ये धूमकेतु को बुलवा लूंगा मैं फिर देखना क्या होगा बड़े बड़े राजा शहीद हो जाएंगे उसके बाद हाँ नहीं तो अब कोमा क्या होता है ये मेडिकल कोमा नहीं है यह हम बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों द कॉमेट्स फेसिंग द स्ट्रॉग सोलर विंड एंड स्ट्रीम्स ऑफ डस्ट एंड गैस आर रिलीज टू फॉर्म एंड एक्सट्रीमली थिन एटमोसफियर कॉल्ड कोमा तो जो प्लेने जो ये कॉमेट बहुत तेज सौर हवाओं का सामना करता है हमें और आपको सौर हवाओं से किसने बचा रखा है मैग्नेटोस्फियर ने मैंने आपको बताया था ना पृथ्वी का कोर आउटर कोर वो सारे कॉन्सेप्ट इसीलिए पढ़ाए थे तो एक पूरी जियो फील्ड बनी हुई है मैग्नेटोस्फियर तो वो सोलर विंड को वो रोक लेता है लेकिन ये धूमकेतु के पास तो ऐसी कोई मैग्नेटोस्फी तो जो सोलर विंड आती है तो ये जमे हुए सीधे पिघल के पीछे कोमा बनाने लगते हैं बेसिकली कोमा में चले जाते हैं मदाक कर रहा हूं कोमा में नहीं जाते हैं क्योंकि ये तो इनएक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं समझ में आ गया आई होप दिस इज क्लियर अब उसकी साइज देखिए कितनी बड़ी बन जाती है लेकिन बहुत जल्दी उसकी ऑर्बिट खत्म होती है और वो वापस अपने घर काइपर घेरे में लौट के चला जाता है तो अब इन सब चीजों को हम स्टडी करने के लिए भेज रहे हैं हमारा एक ऑब्जेक्ट नासा का भेजा हुआ काइपर बेल्ट को भी पार कर चुका है और वो हिलियोस्फियर के आगे निकल गया है समझ में आया स्पेस टेक्नोलॉजी का कमाल तो काइपर काइपर बेल्ट यानी कि घेरा होता क्या है जिस प्रकार प्यारे दोस्तों मार्स और जुपिटर के बीच में एक प्लेनेट जो बन नहीं पाया साढ़े चार सौ करोड़ साल पहले जब सोलर सिस्टम बन रहा था और उसके छोटे 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 टुकड़े हो गए करोड़ों वो सब एस्टोरॉइड बन गए शुद्र ग्रह उसी प्रकार नेपच्यून के आगे एक प्लेनेट था जो बन नहीं पाया और उसके छोटे 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 करोड़ों टुकड़े हो गए यह है काइपर घेरा समझ में आ गया आपको बस एस्टोरॉइड बेल्ट और काइपर घेरा आपको समझ में आ गया है तो यह उससे जुड़ा मैंने आपको बता दिया उसको पूरा देख लीजिएगा काइपर घेरा यानी कि काइपर बेल्ट दिखता बहुत बड़ा है लेकिन वैज्ञानिकों ने जब हबल स्पेस टेलीस्कोप से इसको स्टडी किया

हमें सिलेबस के लिए जरूरी है क्या यह पीसीएस में आएगा हाँ बेटा ये पीसीएस में भी आएगा यह इंटरव्यू में भी आएगा यह तुम्हारे बुरे सपनों में भी आएगा इसलिए अच्छे से पढ़ लो अब यह दोनों चित्रों को एक साथ देख लो माई डियर स्टूडेंट्स एज यू कैन सी वेरी क्लियरली यह है आपका एस्टोरॉइड बेल्ट और यही एस्टोरायड पृथ्वी पर मीटियोर्स बन के गिरते हैं और जमीन तक आ गए तो मीटोराइड और फिर सारे डायनासोर्स को टाटा बाय बाय करना पड़ता है लेकिन हमें तो ये उल्लू बनाने के लिए हर बार नासा वाले बोलते हैं कि बहुत बड़ा एस्टोरॉइड आ रहा है कुछ आता नहीं है तुम चिंता मत करो ट्वेंटी नाइन अप्रिल को कुछ नहीं होगा कोरोना वायरस से मरने वाले हैं एस्टोरॉइड से नहीं मरने वाले हैं हां नहीं तो और ये काइपर बेल्ट है समझ में आ गया दोनों के बीच का अंतर अब इसके बाहर एक और डैडी घूम रहा है उसका नाम है उर्थ क्लाउड अब ये उर्थ क्लाउड क्या है ओ ओ आर टी काइपर बेल्ट से भी आगे थ्री डायमेंशनल गोला है पूरा ऑब्जेक्ट्स का जिसने पूरे सोलर सिस्टम को घेरा हुआ है जिसको बादल कहते हैं उस पर हम आगे बात करेंगे अभी तक का सब कुछ क्लियर हुआ या नहीं चलो ये एक और आपको हमने पर्सपेक्टिव डायग्राम दे दिया जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं जल्दी बताइए समझ में आया कि नहीं तो प्रदीप पूछता है कौन करते हैं ऐसे सवाल ऐसे नहीं पूछते प्रदीप कौन हैं ये लोग कहां से आते हैं ये ऐसे पूछना चाहिए क्या मीम है यार वो कुछ मत और दूसरा मीम मुझे वो गैंग्स ऑफ वसेपुर वाले गोपाल सिंह का बहुत पसंद है यार मंत्री जी गोपाल सिंह बोल हूँ थाना प्रभारी ढंसर वो मीम तो अल्टीमेट है जिनको समझ में आ गया मेरा जोक वो हंस हंस के पेट पकड़ लेंगे अपना तो ये है प्यारा सा एक पर्सपेक्टिव चित्र इसको देख लिया आपने सालीस कॉमेट बेसिकली काइपर बेल्ट से आया क्लियर है मैन टू द मून नाउ दिस इज द ब्लीडिंग एज ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी जब जॉन एफ कैनेडी ने उन्नीस में अमेरिका को चुनौती दी कि हमें 1970 के पहले पहले सोवियत यूनियन को बीट करना है और चंद्रमा पर इंसान को उतारना है तो उसने ये कहा था दैट वी प्लान टू पुट अ मैन ऑन द मून एंड गेट हिम बैक Before the decade runs out, John F. Kennedy is a charismatic president. Donald Trump is charismatic. No, sir, I don't believe it. There's nobody who's more charismatic than me. I know more about charisma than anybody else does, sir. No, sir, everything is under control. No, 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 no. स्टैंडर्ड जवाब होता है उनका हर चीज पे इसलिए मैं एडवांस में बोल देता हूं इसे कहते हैं अपोलो प्रोग्राम ये जो भीम का सबसे ऊपर जो है वो आप देख लीजिए सर्विस मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल लूनार मॉड्यूल ये तीन मॉड्यूल्स ये स्पेस टेक्नोलॉजी को पुनर्परिभाषित कर दिया था समझ में आया आपको समझ में आया आपको स्पेस टेक्नोलॉजी को इसने पुनर्परिभाषित कर दिया था समझ में आया आपको साथियों इन मॉड्यूल्स में जाता है और ये अब हमने स्पेस शटल बना लिए लेकिन स्पेस शटल तो आज बना ना स्पेस शटल बना उसके पहले जो हुआ जो पहला व्यक्ति चंद्रमा पे गया वो बीच में खड़ा और राइट right साइड में आपको वो मॉड्यूल दिख रहे हैं जो मैंने यहां सर्विस मॉड्यूल और कमांड मॉड्यूल बताया और वो था लूनर मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल नीचे उतरा और फिर ऊपर फायर किया और जाके कमान मॉड्यूल से मिल गया सोचिए अगर नहीं मिला होता तो क्या होता घूम रहे होते चंद्रमा के आसपास वो अभी चालीस साल बाद तो ये है पूरी टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट लेवल की थी लेकिन अमेरिका को बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि वी नीड अ री यूजेबल शटल एंड दिस इज दैट री यूजेबल शटल इसमें एक विंग्ड ऑर्बिटर है वो जो प्लेन दिख रहा है उसको ऑर्बिटर कहते हैं एन एक्सटर्नल लिक्विड प्रोपेलेंट टैंक नीचे वो पूरा लिक्विड प्रोपेलेंट और इसमें विस्फोट होने से ही मौतें होती हैं एक बहुत भयनक हादसा भी हो चुका है एंड टू सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर जो लेफ्ट एंड राइट में लगे हुए हैं यह टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली एक स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी बन चुकी है और इसरो ने इसके बहुत सारे वेरिएंट्स क्रिएट किए हैं और हमारा पूरा का पूरा मिसाइल सिस्टम जो डीआरडीओ चलाता है इस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे अंश वहां पे यूज होते हैं मैंने आपको क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के बारे में अलग से पढ़ा दिया था यस और नो यस और नो यस और नो यस और नो अच्छे से अभी तक समझ में आ गया आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया प्यारे दोस्तों एक स्टेप आगे चलते हैं इस चित्र से आपको और समझ में आएगा तो राइट साइड में लूना मॉड्यूल नीचे उतरा हुआ है और वही बाद में जाकर ऊपर सर्विस मॉड्यूल से जुड़ गया था और फिर वो वापस पृथ्वी पर लौट आए थे और समुद्र में गिरे थे छपाक से आई होप दिस इज क्लियर तो आज हमारा पहला पार्ट स्पेस टेक्नोलॉजी का कंप्लीट होता है अब हम भी छपाक से कॉन्सेप्ट में गिरेगे जाके कल हम आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पार्ट टू में टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स पढ़ाएंगे कक्षा पढ़ाएंगे अलग अलग क्या होती है बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और भारत के कौन से उपग्रह किस कक्षा में गोल गोल घूम रहे हैं वो हम देखेंगे यस और नो वैसे प्यारे साथियों अभी स्थिति ये चल रही है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन और शटडाउन चल रहा है दुनिया भर में भारत में भी चल रहा है अच्छी बातें होना चाहिए बहुत जरूरी है लेकिन आप थोड़ा उसमें कोऑपरेट करें जो चार पांच काम आपको करने हैं मैं तो आप ये मान लीजिए जनवरी से बच्चों को बोलते आ रहा हूं क्योंकि ये तो दिख रहा था ये ऐसा होगा सबसे पहले दिन में छह बार रगड़ रगड़ के हाथ दो दो मिनट आपको अच्छे से धोना है समझ में आ गया साबुन से हाथों को धोने के बीच में सैनिटाइजर्स का प्रयोग अच्छे से करना है सरफेसेस को क्लीन रखना है झुंड में नहीं बैठना है या चलना है खांसी अगर आती है तो रुमाल का प्रयोग करना है तबीयत अगर बिगड़ती है तो तुरंत जांच के लिए जाना है लॉकडाउन है शटडाउन है तो जितना आइसोलेशन कर सकते हैं उतना आइसोलेशन करना है जो लोग ऐसी एडवाइस दे रहे हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना है क्योंकि ये एक अलग ही नई परिपाटी है और बिल्कुल अपनी अड़ीबाजी में नहीं रहना है कि मुझे क्या होगा यूथ को जनरली कुछ नहीं होगा लेकिन यूथ कैन बी अ कैरियर तो आप जब ये बोलते हैं मुझे क्या होगा हम 25 लोग तो यहां बैठ के चाय पिएंगे और खूब ऐश करेंगे यू आर स्प्रेडिंग इट टू अदर्स आपको तो थोड़ा सा सोशल कंपेशन रखो दूसरों की सोचो बुढ्ढों की सोचो नहीं कल तुम भी बुढ़े हो गया फिर तुम बोलोगे अरे मैंने अपनी जवानी में जो किया बुढ़ापे में कोई मेरे साथ ना करे फिर उस वक्त के जवान बोलेंगे तेरे साथ तो जरूर करेंगे बुढ़े तो यह है पूरी कहानी अपने बुढ़ापे का सोच ले और खुद को थोड़ा सा बचा ले यस और नो यस और नो एक बच्चा अभी आया है बोलता सर नमस्ते गुड इवनिंग बेटा तुम कल की क्लास के लिए थोड़े जल्दी आ गए हो तो आज के ये तीन कॉन्सेप्ट है स्मॉल फ्लाइंग डायनासोर मेड इन स्पेस ऑर्गन्स और बॉटनेस बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट हैं सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन तक आ गए हंड्रेड तक पूरा आपको लेके जाऊंगा गारंटी है कॉन्सेप्ट में से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे सवाल आएंगे यस और नो एक बोलता है गाना सुना दो आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ मैं ये गीत सुनाता हूँ दुनिया का सबसे छोटा उड़ने वाला डायनासोर का कंकाल ये आपको इस एम्बर में इनकेस मिला म्यांमार के जंगलों में तो उस पूरी थ्योरी को जो लेफ्ट में आपको चिड़िया दिख रही है ना वही डायनासोर है और उसकी आंख के बिल्कुल पास से नुकीले दांत निकले हुए हैं और ये बहुत छोटा सा दस करोड़ साल पहले मिलने वाला डायनासोर म्यांमार जो आज का म्यांमार है वहां पूरे हरे भरे जंगल थे वहां मिला है और इसको आय बर्ड नाम दिया गया है समझ में आया आए आपको आय बर्ड क्यों कहते हैं इसको इसको आय बर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो पूरे बीक में दांते मिले हैं वो सारे दांत उसकी आंख के पास से निकलते हुए यहां तक आए हैं अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आखिरी लाइन ध्यान से देखिए जितने भी थेरापोड डायनोसॉर्स थे थेरापोड डायनोसॉर्स की पूरी पूरी एक क्लास थी उनकी हड्डियां खोखली होती थी पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं थेरापॉड डायनोसॉर्स आज की सारी चिड़ियाओं के पूर्वज हैं एनी बर्ड यू सी ऑन दिस प्लान टूडे हेज डिस तो पक्षियों से पंगा मत लेना डायनोसोर है ये किसी दिन दिमाग भंट हो गया इनको और आकर झड़ाक से काट लिया तो रोते रह जाओगे क्योंकि उनके अंदर टिराइनोसोर रेक्स के डीएनए और इंस्टिंग जिंदा है निपटा देंगे तुमको बता रहे हैं प्यार है दोस्तों इस आई बर्ड का टेक्निकल नाम है ओकलू देंताविस खोंगराई और यह पूरी तरह से नई स्पीशीज पकड़ में आई है जो प्यारे साथियों ऐसा कहा जाता है कि 25 करोड़ साल पहले से साढ़े छे करोड़ साल पहले तक जिस दिन वो भुड़ूम आया था चिकजुलू क्रेटर पे चिकजुलू क्रेटर बनाने यूकेट में तब तक ये जिंदा थे सोचिए और ये बहुत ही छोटा पक्षी था लेकिन आज के सभी पक्षियों के ये पूर्वज हैं अब देखिए इनके एक्चुअल कंकाल मिलना शुरू हो गए तो मिलने से ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है प्यारे दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत कबीर दास जी का लिखा हुआ गीत है उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूं ढूंढने से भगवान मिलता है सुनाऊं कि नहीं बोलो जरा मोको कहा रे बंदे मैं तो तेरे पास में ये बहुत अच्छा गीत है इसको आप ज़रूर YouTube पे सुनिएगा मैंने दो लाइनें आपको सुनाई हैं कभी मौका मिलेगा तो पूरा गाना सुनाऊँगा मोको कहाँ ढूँढेरे बंदे तो थेरापो डायनोसोर्स आर द बेसिक एंसेस्टर्स ऑफ ऑल द मॉडर्न डे बर्ड्स अब ये जीके की कुछ ऐसी चीजें हैं ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल क्या बन सकता है इसके ऊपर किसी भी चीज से सवाल बन सकता है दैट द वर्ड ऑक्लू देंता खराइ वॉज इन न्यूज वाई इन न्यूज समझ में आया आपको जैसे एग्जामिनर को पता ही है कि वाई इन न्यूज लेकिन अब आप एग्जामिनर नहीं हो ना तो क्या करोगे समझ में आया फिर एक बोलता है कि इतना बड़ा नाम कौन रखता है बेटा ये नाम डायनासोर ने खुद के लिए नहीं रखा है ये नाम आज के लोगों ने उसको दिया है हाँ सर मुझे पता है ये मुझे पता है कि तुमको पता है तो दिस बर्ड लाइक फ्लाइंग डायनासोर है ऑफ टीथ दैट इट्स और इस तरह से ये डे टाइम हंटर था कैसे पता चला क्योंकि जो आंखों का प्रकार होता है उससे मालूम चल जाता है कि ये डे टाइम हंटर है या नॉक्टर्नल हंटर है जैसे कि जो आउल्स होते हैं उनकी आंखों से पता चलता है कि उसकी साइज इतनी बड़ी होती है कि छोटी सी चंद्रमा की रोशनी को भी वो कैप्चर करे तो प्यारे दोस्तों हमने चंद्रमा पर

पृथ्वी पर जब एक पेट्री डिश में आप ये काम करते हो स्टेम सेल को ग्रो करने का तो वह केवल फ्लैट ग्रो होता है टू डायमेंशन में थ्री डायमेंशन में ग्रो नहीं होगा लेकिन स्पेस में उनको अभी पता चला कि तो थ्री डी में ग्रो हो रहा है और 10 साल पुराना एक्सपेरिमेंट सफल हुआ एंड दे हैव कम टू द कंक्लूजन इन स्पेस आर एज 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 सेफ यूजेबल एंड गुड दे वुड बी बैक ऑन अर्थ इसका मतलब यह है कि दस साल के बाद क्या होगा हेलो हाँ मैं रोहित बोल रहा हूं हाँ ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बोल रहे हैं जी जी मेरे पापा जी के लिए नया हार्ट चाहिए था कितने दिनों में सप्लाई हो सकती है तीन दिन लगेंगे नहीं नहीं हमें तो आज शाम तक चाहिए अच्छा तत्काल स्कीम में हार्ट भेज सकते हैं ठीक है आप जल्दी से भेज दीजिए शाम को आज हम रिप्लेस मार देंगे है ना पापा शाम तक आ जाएगा रिप्लेस मार देंगे आपका हार्ट हाँ बेटा जल्दी बहुत दर्द हो रहा है अभी पिछले तीन बार बदल चुके हैं लेकिन सही पीस नहीं मिल रहा बेटा बहुत मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ रहे बेटा तू है ना ढंग से काम नहीं कर रहा रोहित आजकल हो दिया एक चाटा खींच के तो ये है मेड इन स्पेस ऑर्गन्स कुड सून बी अ रियलिटी सर आप कैसी बातें करते हो ऐसा कभी होगा अरे ऐसा ही होगा देख लेना तुम यारे दोस्तों द खुशी ने बहुत अच्छे आगे कि उसके शब्द भी लिख दिए उस भजन के बहुत ही खूबसूरत कबीर दास जी ने जो लिखा है कबीर दास जी को जिसने एक बार पढ़ लिया कबीर दास जी को जिसने एक बार समझ लिया उसके जीवन के बहुत सारे तार झंझना जाते हैं ह्यूमन एडल्ट सेम सेल्स फॉर सेंट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी क्लास का समय तो हो गया है पूरा एक मिनट और लेंगे क्लास को समाप्त करेंगे एस्ट्रोनॉट ने वहाँ पर उसको ग्रो करना शुरू किया और हम बोन्स चाहते हैं कार्टिलेजेस चाहते हैं अन्य ऑर्गन चाहते हैं पृथ्वी पर यस और नो तो हम चाहते हैं कि इस तरह की सारी चीज़ें हमारे यहाँ के पेशेंट्स के लिए अवेलेबल होना शुरू हो जाए ये फंडा समझ में आया कि नहीं आपको और अगर हमारे यहाँ के पेशेंट्स के लिए यह सब उपलब्ध होना शुरू होगा तो बहुत सारे लोगों की जाने बच सकती हैं बिकॉज ऑफ वेटलेसनेस स्टेम सेल्स विल ग्रो इन थ्री डायमेंशन ये समझ में आया कि नहीं आपको थ्री डायमेंशन में ये पूरा का पूरा ग्रो होगा जो पृथ्वी पे हो नहीं पा रहा है आज की तारीख में और अगर वैसा होता है तो बहुत फायदा होगा हमारे यहाँ मोनोलेयर कल्चर टू में होता है अब देखिए इस पर पूरा सवाल बन सकता है तो तैयारी रखिएगा इस न्यूज आइटम को पढ़ लीजिएगा और आज का आखिरी कॉन्सेप्ट बॉटनेट बॉटनेट एक इतनी भयंकर चीज है दोस्तों कि अच्छे अच्छों की हवा टाइट कर सकती है आ, हिरंजन विश्वास बोलते हैं काल करे सो, आज कर, आज करे सो सो आज आज कर अब पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब बेटा परलय वरलय कुछ नहीं हो रही है बता रहा हूं ये एस्टोराइड आ वाह तो रहनी है उल्लू बना के निकल जाते हैं तो तुम ये परलय वरलय पे तो ज्यादा रिलाय करके चलो मत एग्जाम तो तुमको देने जाना है माइक्रोसॉफ्ट टेक्स डाउन ग्लोबल बॉटनेट नेटवर्क बॉटनेट का मतलब होता है रोबोटिक नेटवर्क उसका शॉर्ट फॉर्म है अब बॉटनेट क्या है मान लीजिए मैं एक हैकर हूं तो मैंने क्या किया एक मेलिशियस कोड लिखा मैलवेयर मेलिशियस वेयर सॉफ्टवेयर और वो मैंने इंटरनेट पर फ्लोट कर दिया और वो मैंने एक करोड़ लोगों को भेजा उनमें से दस लोगों ने लोड कर लिया अब वो मेलवेयर क्या करेगा बॉटनेट मेलवेयर वो और दस को पकड़ेगा वो एक एक दस को पकड़ेंगे वो एक एक दस को तो वेरी सुन जैसे कोरोना वायरस का भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आना बाकी है कई देशों में अभी तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है थर्ड स्टेज तो अभी आया है, अभी आएगा तो उसी तरह बॉटनेट एक्सप्लोर कर जाता है अब उसमें करोड़ों कंप्यूटर जुड़ गए आपको पता ही नहीं आपका कंप्यूटर बॉट बन चुका है और फिर वो एक हमला करते हैं सब मिलके तो वो तो बड़ी बड़ी कंपनियों के पूरे सर्वर डाउन कर देंगे इसको कहते हैं बॉटनेट समझ में आया तो बॉटनेट क्या होते हैं दोस्तों दे आर मालवेयर सीक्रेटली टेक कंट्रोल ऑफ ऑफ मिलियंस पीसीज एंड देन स्टार्ट हैकिंग अटैक नॉर्थ कोरिया के पास एक पूरी सेना है जो ये करती है चाइना के पास पूरी सेना है जो ये करती है अमेरिका के पास पूरी सेना है जो ये करती है समझ में आया प्यारे साथियों ये सारी चीजें बहुत दिक्कत का काम है अब जब रोहित ने अपने पापा के लिए हार्ट बुलवाया था तो उसके पापा ने बोला था रोहित बेटा वो जरा फोन यहाँ जरा मेरे को अरे दिमाग भी मिल सकता है क्या है? कि ये लड़के के लिए बदलना था दिमाग भी अच्छा दिमाग बनाने बंद बन कर दिया तुमने दिमाग ही नहीं है तुम लोगों में ये भी होगा तैयारी रखो तो प्यारे साथियों बॉटनेट स्टार्ट अटैकिंग अदर सिस्टम्स एंड 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 नेटवर्क्स प्राइवेट स्टेट एक्टर्स कैन लॉन्च अटैक भारत को इसकी तैयारी रखनी पड़ेगी जहां तक मेरी जानकारी है भारत के पास ऐसा कोई भी स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर नहीं है जो ऐसा कर सके तो इससे लड़ने का क्या तरीका है ये तरीका है माइक्रोसॉफ्ट को पता चला तो माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइज थर्टी फाइव टू टेक डाउन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉटनेट्स जो कि बना हुआ था समझ में आया आपको और ये आठ साल से लड़ाई चल रही थी और फाइनली माइक्रोसॉफ्ट को इसमें विजय मिली प्यारे साथियों एक रेस है जिस प्रकार प्रकृति में प्रे और प्रेडिटर के बीच की आर्म्स रेस चल रही है वैसे ही मेलिशियस के बीच में ये आर्म्स रेस चल रही है समझ में आया कि नहीं आपको इस प्रकार से यह सारी कहानी है तो क्या हम कभी बॉटनेट से लड़ने की सेना बना पाएंगे बिल्कुल बना पाएंगे कोशिशें चल भी रही हैं लेकिन मेरी जानकारी में अभी कोई ऐसी फुल फ्लैश आर्मी भारत के पास नहीं है तो प्यारे साथियों इसका हिंदी ट्रांसलेशन हमने दे दिया है आज का सेशन अब समाप्त करने का समय आ गया ये पूरा सिलेबस है देखते चलेगा इसी तरह हंसते खिलखिलाते आपको सारी गंभीर चीज़ें हम पढ़ाते चलेंगे बस आप केयरफुली पढ़ते चले वो बहुत जरूरी है रुक जा रहा नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के तो प्यारे साथियों फिर से पूरी पॉजिटिव स्पिरिट से सारे सेशंस को रिवाइज कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और बोलिए संदीप सर जिंदाबाद नमस्ते जय हिंद